नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। 21 राज्यों के 100 से ज्यादा होम्योपैथिक के डॉक्टर जुटेंगे रीवा में 22 जनवरी को। स्थान होगा रीवा का कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम, जहां पर रीवा जिले के लोगों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। 22 जनवरी को रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में सत्रों में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पहला सत्र सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा। इस सत्र में विभिन्न राज्य से आए हुए डॉक्टरों के द्वारा मरीज की जांच और निशुल्क दवा का वितरण किया जाएगा। दूसरे सत्र में देश में होम्योपैथी के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले डॉक्टरों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सहित शहर के तमाम लोग मौजूद रहेंगे। आयोजक मंडल के मोहनलाल तिवारी, वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रिका प्रसाद चंद चाहते हैं 100 से ज्यादा होम्योपैथिक के एक्सपर्ट रीवा में मौजूद हों, निःशुल्क जांच करें। रीवा शहर के वासी ज्यादा से ज्यादा इस शिविर का लाभ उठाएं। हमारी टीम ने डॉक्टर अभय मिश्रा से बात की। उनका साफ तौर से कहना था, पूरी तरीके से निःशुल्क इस शिविर का आयोजन है। इस शिविर को केवल रीवा शहर के लोगों का अपना पंजीयन कराना है, वो भी किनड़ क्लिनिक और रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। वहां भी हमारी टीम मौजूद रहेगी। आप लोग केवल अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, 22 तारीख को आइए, हम आपकी एक्सपर्ट से निशुल्क जांच कराएंगे। यही नहीं, आपको मुफ्त दवा का भी हम वितरण करेंगे। हम चाहते हैं रीवा शहर के ज्यादा से ज्यादा लोग इस आयोजित शिविर का लाभ उठाएं। सुनिए डॉक्टर अभय क्या कुछ कह रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, रीवा में एक बड़ा होम्योपैथिक का शिविर 22 जनवरी को होने जा रहा है, जिसमें 21 राज्यों के डॉक्टर मौजूद होंगे, लगभग 100 से बड़े होम्योपैथिक एक्सपर्ट जो यहां पर रीवा शहर की जनता को उनका इलाज करेंगे। जानने समझने की कोशिश हम करने आए हैं कि किस तरीके से आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। नमस्कार सर, ये किरण सेवा संस्थान के तत्वावधान में स्वर्गीय श्री लाल जी शर्मा, मेरे पूज्य पिताजी, उनके स्मरण में 2017 से लगातार किया जा रहा है। इसमें होम्योपैथिक चिकित्सा को बढ़ावा देने, होम्योपैथिक से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह पूरा आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारतवर्ष के 21 राज्यों से होम्योपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञ आ रहे हैं। इसमें करीबन 108 होम्योपैथिक चिकित्सक जो अपनी सेवाएं रीवा में देंगे मरीजों को। डॉक्टर आपने तो ये तो बता दिया 21 राज्य हो गए, 100 से ज्यादा डॉक्टर यहाँ एक्सपर्ट पूरे देश के इकट्ठा होंगे, लेकिन जो अवार्ड सेरेमनी है वो उसके लिए किस तरीके से आपने तैयारी की है? सर, अवार्ड सेरेमनी का सेजन अपन ने पूरा कार्यक्रम दो सत्रों में किया है। प्रथम सत्र जो है निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का होगा और द्वितीय सत्र में अपन अवार्ड सेरेमनी का आयोजन करेंगे, जिनमें उन्हीं चिकित्सकों को सम्मानित किया जाएगा। होम्योपैथिक की बात हो रही है, रीवा शहर की बात हो रही है, रीवा में जैसा कि आप क्लिनिक भी चलाते हैं, तो किस तरीके के मरीज ज्यादा हैं? सर, यहाँ पे सबसे ज्यादा मरीज देखने को मिलते हैं त्वचा रोग वाले। अगर मरीजों को देखें तो यहाँ पे त्वचा रोग, बालों का झड़ना, इस पे बहुत ज्यादा मरीज देखे जा रहे हैं। जैसे इस दांत खाज खुजली, इस पे सूखी खुजली, इसके लिए होम्योपैथिक जो है बहुत तेजी से काम कर रही है। होम्योपैथिक काफी तेजी से काम कर रही है। 22 जनवरी रीवा शहर और उसके आसपास के रहने वाले लोगों को उन बीमारियों में सबसे ज्यादा फायदा होगा जो असाध्य है, जिनका जल्दी इलाज नहीं होता। हमारे साथ डॉक्टर अभय थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा हम 21 राज्यों के बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाएंगे 22 जनवरी को। बस केवल आपको इतना करना है कि आपको हमारे यहाँ क्लिनिक में या राज कपूर ऑडिटोरियम में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। जैसे 22 तारीख को आपको दिक्कत हो, हम कोशिश करेंगे कि आपको बड़े एक्सपर्ट से दिखाएं और मुफ्त दवाई देंगे। हमारी नजर इस आयोजन पर बनी रहेगी, जो निश्चित रूप से रीवा शहर के लिए आगे आने वाले समय में बेहतर साबित होने जा रहा है। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।